हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर वेल। सो आज की इस वीडियो की टॉपिक है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। ज़्यादातर लोगों को रोमियो एंड जूलियट के बारे में पता ही है क्योंकि ये बहुत ही एक फेमस दास्तान है, एक ट्रेजेडी है जिसमें आखिर में इस नाटक की जो दो मेन प्रोटैगनिस्ट, दो मेन कैरेक्टर्स है, इसका हीरो और हीरोइन का डेथ हो जाता है। सभी को पता है क्योंकि इनके जो दास्तान है ये तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि मान लो हीर रांझा, लैला मजनू, इनके तरह रोमियो एंड जूलियट। तो आपने शायद रामलीला देख ही लिया होगा, एक सिनेमा जो है बॉलीवुड का। तो वो जो स्टोरी है वो इस रोमियो एंड जूलियट पर ही बेस किया गया है। तो चलिए ज़्यादा ना बकते हुए जो मेन स्टोरी है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी जो पब्लिकेशन हिस्ट्री है चलिए वो पहले जान लेते हैं। तो ये जो नाटक है ये एक 5 अंकों वाला नाटक है जो 1595 से लेकर 1597 के बीचों बीच लिखा गया था। ओके, और ये 1600 में जब फर्स्ट क्वार्टर पब्लिश हुआ था तो उसी में पहली दफा पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये क्या इसका पब्लिकेशन हिस्ट्री। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, सारे लोगों को दुनिया में, ज़्यादातर लोगों को दुनिया में इस स्टोरी के बारे में पता है। तो इसका जो है इसका बहुत सारा एडेप्टेशन भी हुआ है, लाइक बहुत सारे सिनेमा बने हैं, बहुत सारे भाषा में इसका ट्रांसलेट किया गया है और इससे बहुत सारे सीरियल्स भी बने हैं। ओके, तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं चलिए अब उन सब कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो पहले ये जो कैरेक्टर्स हैं इन कैरेक्टर्स को हम लोग 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। ओके, पहले आते हैं प्रिंस की जो फैमिली है, फिर आता है जो कैप्यूलेट्स की फैमिली है, और फिर आता है मॉन्टेग्यूज की फैमिली। ठीक है, अब जो प्रिंस की फैमिली है, अब प्रिंस की फैमिली में जो प्रिंस है उसका उनका नाम है प्रिंस एस्केलिस। ओके, ये जो है ये वेरोना का प्रिंस है। ठीक है, इनके 2 रिलेटिव्स हैं, पहले का नाम है मर्क्यूशियो एंड सेकेंड है काउंट पेरिस। ठीक है, ये गया जो प्रिंस का फैमिली है ये। अब आता है कैप्यूलेट्स की फैमिली, कैप्यूलेट्स की फैमिली का हेड है कैप्यूलेट, उनकी वाइफ लेडी कैप्यूलेट, उनकी जो एक डॉटर एक बेटी है बहुत खूबसूरत 13 साल की एक बेटी है, जूलियट है उसका नाम, वो जो इसकी जो हीरोइन है वो। फिर आता है रोजालिन, ये जो रोजालिन है ये रोजालिन लेडी कैप्यूलेट की एक नीस है, मतलब की भतीजी है और जूलियट की कजिन है। ठीक है, और इनके साथ टिबल्ट नाम की एक नौजवान रहता है, वो है जो कैप्यूलेट है, कैप्यूलेट का भतीजा लगता है। ओके, तो ये तीनों जो है रोजालिन, जूलियट एंड टिबल्ट एक दूसरे के कजिन होते हैं। ठीक है, और इनके फैमिली में एक नर्स है जो जूलियट की अटेंडेंट होती है। ओके, ये गया कैप्यूलेट की फैमिली। और आता है हमारा मॉन्टेग्यू की फैमिली, इस मॉन्टेग्यू की फैमिली का हेड है मॉन्टेग्यू, फिर आता है लेडी मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू का वाइफ, और फिर आता है रोमियो मॉन्टेग्यू। ये रोमियो मॉन्टेग्यू हमारा हीरो है, ये जो नाटक है इस नाटक का हीरो है। और ये जो है इसका एक दोस्त या कजिन जो भी कह लो, इसका कजिन है, इसका नाम है बेनवोलियो, बहुत ही अच्छा दोस्त है। ठीक है, अब जो प्रिंस की फैमिली में जो मर्क्यूशियो है, ये मर्क्यूशियो एक रोमियो और बेनवोलियो बहुत अच्छे आपस में दोस्त है। ठीक है, और फिर कुछ माइनर कैरेक्टर, एक और मेजर कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस। ठीक है, और कुछ माइनर कैरेक्टर्स है लाइक कुछ सर्वेंट्स है और फ्रायर जॉन। ये गया इसका जो कैरेक्टर लिस्ट है ये। ठीक है, अब चलते हैं जो सिनॉप्सिस है, इसकी जो समरी है, प्लॉट समरी उसके तहत ये नाटक शुरू होता है एक रोड पर, जहाँ पर हमें एक बवाल देखने को मिलता है इन दोनों फैमिली के जो नौकर है, इन नौकर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को संभालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो प्रिंस एस्केलियस है, ये प्रिंस एस्केलियस को बीच में आना पड़ता है और ये आकर धमकी देता है कि अगर तुम दोनों का जो फैमिली है ये तुम दोनों अगर आपस में सुलह नहीं कर सकते, तो इसके बाद अगर कोई बवाल हुआ और जो पॉपुलेशन है यहाँ के जो लोग हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। तो यहाँ पर जाकर कुछ ठंडा होता है और जो है हमारा प्ले आगे बढ़ता है। तो आगे जाकर हम देख सकते हैं कि
ये जो काउंट पेरिस है, प्रिंस की फैमिली के जो काउंट पेरिस है, एस्केल्यूस का एक रिलेटिव है, तो वो आकर कैप्यूलेट से कहता है कि सर, आपका तो जो लड़की है, आपका जो लड़की है जूलियट, वो तो बहुत खूबसूरत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो बहुत छोटी है, अभी तक सिर्फ 14 साल भी पूरा नहीं हुआ है, वो 13 साल की एक लड़की है, तो उसकी जो पापा है कैप्यूलेट शादी शादी के लिए ना कर देती है, कहती है कि नहीं, ये तो बहुत बच्ची है, अभी 2 साल तक रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारा उससे शादी करवा दूंगा। तो अब जाकर क्या होता है, और पीटर पेरिस से कहता है कि तुम जो मैं जो एक बॉल का इंतजाम कर रहा हूँ, मैं जो एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, वहां पर आ जाना, ठीक है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि घर में जूलियट की जो माँ है, लेडी कैप्यूलेट, और जो नर्स है उस उनके जूलियट के अटेंडेंट, वो दोनों मिलकर जूलियट को समझाते हैं कि देखो, शादी की उम्र तो हो गई है, तुम्हें अब पेरिस को एक बार देख लेना चाहिए। तो तब जाकर जूलियट सोचती है कि ठीक है, चलो मैं एक बार कोशिश करूँगा कि देखूँगा कि मैं उसके प्यार में गिरता हूँ या नहीं। प्यार में गिरने की कोशिश, समझ लीजिए तब का जो सिनेरियो है ऐसा ही कुछ था। तो अब जाकर क्या होता है, जो स्टोरी का जो इस नाटक का जो और एक जो सीन है वो हमें देखने को मिलता है कि दूसरी फैमिली जो मॉन्टेग्यू फैमिली है, उसका जो हमारा जो हीरो है रोमियो, रोमियो मॉन्टेग्यू एक पेड़ के नीचे बैठा है, बहुत दुखी है बेचारा। क्यों दुखी है? बेनवोलियो आकर उसे बहुत परेशान करता है और आखिर में उसे जो है जो कारण है, इसका जो रीजन है वो निकालता है कि वो रोजालिन नाम के एक लड़की के प्यार में है, जो रोजालिन मैंने हमने पहले ही पढ़ा है कि वो कैपुलेट फैमिली से है, और उस रोजालिन के प्यार में ये दीवाना हो गया है रोमियो। और लेकिन क्या है, ये जो रोजालिन है ये रोमियो को घास भी नहीं डालता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मार्क्यूशियो है और बेनवोलियो और रोमियो एक साथ होते हैं, और मार्क्यूशियो और बेनवोलियो बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, और ये दोनों जाकर रोमियो को सजेस्ट करता है कि चलो हम लोग जो बॉल है, जो कैप्यूलेट ने बॉल का जो इंतजाम किया है, उस बॉल में चलते हैं, तो वहां पर शायद तुम्हें रोजालिन दिखने को मिल जाएगी, फिर तुम उससे बात कर सकते हो। तो जैसी सोच वैसे ही ये तीनों आकर वो जो बॉल है उस बॉल में आकर हाजिर होते हैं। अब कोई पहचान नहीं पाता क्योंकि एक मास्करेट टाइप का बॉल था, मतलब कि एक स्पेशलिटी था इसमें कि जो लोग होंगे वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसीलिए कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पाता। लेकिन क्या होता है, ये जो बॉल है, ये जो पार्टी है, यहाँ पर हमारे रोमियो को जूलियट दिखाई पड़ते हैं, और पहली दफा में, पहली दर्शन में ही जूलियट के लिए हमारा रोमियो दीवाना हो जाता है, और लव एट फर्स्ट साइट। अब ये दोनों जो फैमिली है, ये दोनों फैमिली ठहरे जाति दुश्मनी है इन दोनों के बीच, और टिबल्ट जो है, टिबल्ट इस जो बॉल चल रहा है इसके बीचों बीच रोमियो को ढूंढ लेता है, ठीक है, खोज लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर जाकर कैपुलेट उसे मना करता है कि देखो, मैं मेरे फैमिली में कोई खून खराबा नहीं चाहता, तो इसलिए इसे जाने दो। तो तब जाकर रोमियो और उनके जो फ्रेंड है, दो फ्रेंड मर्क्यूशियो एंड बेनवोलियो, वो वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन रोमियो जो है, रोमियो वहां से जा नहीं पाता, वो जो है उनके जो जूलियट के घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो रात में जब पार्टी एंड हो जाता है, तो वो जो है रोमियो जूलियट के जो घर है, जूलियट के घर के नीचे एक ऑर्चर्ड है, मतलब कि एक बागीचा है होता है, उस बागीचे में टहल रहा होता है, और वहां से वो सुन लेता है कि जूलियट अपने मन में ही बोल रही है कि वो रोमियो से प्यार करने लगी है। तो अब जाकर जो है जो बहुत ही फेमस बैल्कनी सीन है, बैल्कनी सीन ये बहुत सी बॉलीवुड के सिनेमा में दिखाया गया है, इसका जो जो हमारा जो हीरो होता है वो सीढ़ी चढ़ते हुए बैल्कनी में जाते हैं, और जो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उससे जाकर मिलते हैं। तो
ये बहुत ही पॉपुलर एक सीन है यहाँ, जो इस जो ये जो नाटक है, इस नाटक के भी एक बहुत पॉपुलर सीन है, बैल्कनी सीन। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर जाकर बैल्कनी में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, क्योंकि जूलियट जो है, जूलियट भी उतना ही रोमियो की तरफ आकर्षित हो गए हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से इतना, इन दोनों को पहली दर्शन में ही इतना प्यार हो गया कि पूछो मत। ये दोनों उसके बाद के दिन शादी करने की सोचते हैं। ठीक है, और जैसा सोचना वो जाकर फ्रायर लॉरेंस लॉरेंस से बातें करता है। अब ये जो फ्रायर लॉरेंस है, ये रोमियो की बहुत अच्छी दोस्त होता है। तो ये क्या करता है, ये जूलियट और रोमियो की शादी करवा देता है, इसी होप से कि शायद इससे ये दोनों जो फैमिली है, इन दोनों फैमिली में, फैमिली के बीच समझौता हो जाए। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ अब जो है स्टोरी है, हम लोग देख सकते हैं कि रास्ते पर जो टिबल्ट है, ये जो कजिन है जूलियट के, ये तभी तक गुस्से में है क्योंकि वो जो पार्टी में बदला नहीं ले पाया। तो द्वंद्व युद्ध के लिए रोमियो को पूछता है। तो यहाँ पर रोमियो, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये जूलियट से शादी कर लिया है, तो ये लोग तो अब रिलेटिव हो गए हैं, तो रोमियो ना कर देता है कि नहीं, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। फिर लेकिन ये जो टिबल्ट है, ये बहुत जिद्दी है, ये लड़ने के लिए रेडी है। और क्या करता है, और बहुत चिढ़ाता है रोमियो को। तो रोमियो क्योंकि एक यहाँ पर जो है पॉइज्ड है बहुत, लेकिन इसकी जो फ्रेंड है, इसका जो फ्रेंड है मर्क्यूशियो, ये बहुत गुस्सा हो जाता है कि रोमियो क्यों कुछ नहीं कर रहा है, और खुद से ही स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। अब टिबल्ट और मर्क्यूशियो के बीच लड़ाई होता है, और ये जो टिबल्ट है, ये मर्क्यूशियो को बहुत ही घायल कर देता है, और यहाँ पर मर्क्यूशियो की मौत हो जाती है। तो इससे क्या है, इससे रोमियो बहुत गुस्सा हो जाता है और टिबल्ट को मार देता है। तो अब ये न्यूज़ जाकर कैपुलेट के घर में पहुंचता है, वो लोग तो बहुत दुखी है, और जूलियट को भी पता चलता है इसके बारे में, वो भी कुछ दुखी है। लेकिन वो जो है, वो उसके पति की साइड ही लेती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो प्रिंस एस्केल्यूस है, ये तो बहुत गुस्से में है। ये आकर कहते हैं कि तुम दोनों जो फैमिलीज हो, तुम दोनों के आपसी झगड़े के लिए मुझे मेरा कजिन को गवाना पड़ा। तो इसीलिए प्रिंस एस्केल्यूस रोमियो को तरीपार की सजा सुनाता है। ठीक है, और कहता है कि अगर फिर से उसे वेरोना में देखा गया तो वो उसे मौत की सजा सुनाएगा। तो अब जाकर रोमियो क्या करता है, रोमियो मांतुआ एक और जगह है, वहां पर जाने का तैयारी करता है। तो उस रात वो दोनों जो है, रोमियो एंड जूलियट, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ एक ही घर में वो रात गुजारते हैं। और यहाँ पर उन दोनों के बीच जो है कॉन्जमेट, मतलब शादी की कॉन्जमेट करते हैं, मतलब शादी को संपूर्णता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सुबह होते ही रोमियो जो है वहां से चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए जूलियट जो है ये बहुत दुखी है, और इनके जो पापा है कैप्यूलेट, ये कैप्यूलेट सोचती है कि शायद हम लोग इसकी जो है जूलियट की शादी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए शायद जूलियट दुखी है। तो ये सोचते हैं कि काउंट पेरिस के साथ इसकी शादी कर दिया जाए। लेकिन तब जाकर जूलियट कहती है कि नहीं, मुझे काउंट पेरिस के साथ शादी नहीं करना, क्योंकि मैं उसकी अच्छी पत्नी नहीं बन सकूंगी। तो यहाँ जाकर इसके जो पापा है कैप्यूलेट, बहुत गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा अगर तुम उसे शादी करने के लिए मना कर देती हो। तो तब जाकर वो कहते हैं कि ठीक है, जो शादी है, इस शादी को कुछ डिले कर दीजिए। तो लेकिन वो राजी नहीं होते हैं, और तीसरे दिन उसकी जो है जूलियट की शादी का डेट फिक्स हो जाता है। अब जो है जूलियट फ्रेयर लॉरेंस के पास जाती है, ठीक है, उससे उनसे सलाह लेने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेयर लॉरेंस जूलियट को एक पोशन देती है ताकि वो मरने की ढोंग कर सके, मतलब कि जो
पोशन जूलियट पी लेती है तो इससे वो 42 घंटों तक कोमा में जा सकती है, ठीक है। इससे वो मरेगी नहीं लेकिन उसकी सांस अटकी हुई रहेगी, ठीक है, और लोगों को लगेगा कि वो मर चुकी है। और दूसरी तरफ वो क्या करता है, एक चिट्ठी लिखते हैं फ्रायर लॉरेंस जो है एक चिट्ठी लिखता है किसको, रोमियो को। रोमियो को चिट्ठी लिखता है कि तुम कुछ इस तरह की अरेंजमेंट किया है और तुम आकर अपनी माशुका को अपने पास ले जाओ, कब्रिस्तान से ऐसे आकर ले जाओ। तो इधर क्या होता है, ये जो जूलियट है ये पोशन लेकर घर चली आती है और घर आने के बाद उससे पता चलती है कि उसकी दूसरी ही दिन उसकी शादी की डेट फिक्स किया गया है। और यहाँ पर क्या होता है, वो उस रात जब फ्रायर लॉरेंस ने वो जो चिट्ठी है वो चिट्ठी फ्रायर जॉन के हाथों रोमियो को मांतुआ में भेज दिया है, लेकिन क्या होता है, रास्ते पर फ्रायर जॉन अटक जाते हैं और चिट्ठी जो है नहीं पहुंचा पाता। इधर हमारी जो जूलियट है ये उस रात सोने की टाइम वो जो पोशन है वो पी लेती है, तो सुबह जाकर सबको लगता है कि जूलियट मर चुकी है और उसे कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाया जाता है। और रोमियो तक ये खबर पहुंचती है कि जूलियट उसकी गम में मर चुकी है। तो अब रोमियो बहुत ही दुखी है और वो वेरोना में लौटने का सोचता है और रास्ते पर एक एपोथिकरी मतलब एक जहर बेचने वाला उससे कुछ जहर खरीदता है ताकि वो भी सुसाइड कर सके। तो ये आकर जो जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में उसकी जो कब्र है उसकी जो कॉफिन है जूलियट की कॉफिन के पास बैठ जाता है और दुख करने लगता है। ठीक तभी वहाँ पर जो काउंट पेरिस आता है अपनी दुख जताने के लिए। तो अब जाकर वो सोचता है, क्योंकि अंधेरा है वहाँ पर बहुत, वो पेरिस सोचता है कि ये जो रोमियो है ये कोई वैंडल है, शायद ये कोई बदमाश है। तो उन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाता है और रोमियो पेरिस का खून कर देता है, ठीक है, काउंट पेरिस मर जाता है और रोमियो वो जो जहर की शीशी है उससे जहर पी लेता है। अब जाकर जूलियट की होश आती है और वो नींद से जगने के बाद देखती है कि उसके बाजू में ही रोमियो जो है वो मरा पड़ा है। तो अब वो सोचती है कि मैं जिंदा रहकर करूँगी क्या, तो इसलिए वो भी क्या करता है, उस रोमियो के पास जो खंजर था वो खंजर लेकर सुसाइड कर लेती है। तो अब जाकर जो दो फैमिलीज है, कैपुलेट की फैमिली और मॉन्टेग्यू की फैमिली, ये दोनों फैमिली और प्रिंस की फैमिली यहाँ पर आकर मिलता है, इस कब्रिस्तान में आते हैं और देखते हैं कि ये जो तीनों के तीनों जूलियट रोमियो और काउंट पेरिस यहाँ पर मरे पड़े हैं। तो यहाँ पर फ्रायर लॉरेंस आकर सब कुछ क्लियर करते हैं और जो पूरा घटना है पूरा सबको बताते हैं। और अब क्योंकि बहुत सब लोग जो है बहुत दुखी है और यहाँ पर वो लोग एक प्रण लेते हैं कि हम लोग अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर जाकर ये जो प्रिंस है, प्रिंस एस्कैल्यूस, बहुत ही अच्छा एक एलिजी बोलते हैं, वो है, फॉर नेवर वॉज द स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। तो इसके साथ ये जो नाटक है इस नाटक का समाप्ति होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।